नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड ईसीएन की खास पेशकश चुनावी चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हां, विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही दावेदारों की लिस्ट तैयार होने लगी, नाम देने वालों आवेदन देने वालों की भी होड़ मची रही और फाइनली 67 लगभग 67 लोगों ने आवेदन भी दे चुका है। विधानसभा वैशाली नगर का जो ये क्षेत्र है काफी सेंसिटिव माना गया है, अक्सर इसे भाजपा का गढ़ के रूप में भी देखा गया है। वर्तमान में कांग्रेस की ओर से जिन 67 लोगों ने दावेदारी के लिए आवेदन दिए हैं, बारी बारी हम उन सब से चर्चा कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा के कि वो विधानसभा में वैशाली नगर में दावेदारी क्यों कर रहे हैं, उनको टिकट मिलती है तो वो क्या करेंगे और अगर नहीं मिलती है उस कंडीशन में वो क्या करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा चुनाव वैशाली नगर के लिए जो 67 नाम है उनमें से एक नाम एडवोकेट अजहर अली भाई की भी है। पेशे से ये वकील हैं और काफी अच्छी वकालत करते हैं। फिलहाल इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है विशाई नगर विधानसभा से, तो हम इनसे रूबरू होंगे और आपको भी रूबरू कराएंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का जो कांग्रेस की ओर से लगभग 67 लोगों के नाम जा चुके हैं, आवेदन दिया जा चुका है, उनमें से एक नाम आपका भी है, आपने दावेदारी के लिए फॉर्म भरा है, क्या बताएंगे, क्या सोचकर आपने वैशाली नगर विधानसभा की सेंसिटिव सीट के लिए आपने जो दावेदारी के लिए फॉर्म दिया? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा ये सेंसिटिव सीट है, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी के 15 साल शासन रहे और कांग्रेस के भी शासन रहा है और हमारे भजन सिंह गारी जी जीते भी हैं और बद्रीन काशी जी भी बहुत कम वोट से यहाँ से पराजित हुए थे, तो कुछ कमियाँ रहीं। लेकिन फिलहाल में अभी नगर निगम के चुनाव जो हुए वहाँ, इसकी वजह से जो अभी भूपेश सरकार जी जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है और उम्मीद है कि इस बार वैशाली नगर सीट कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा जीती जाएगी और उसी लिए उम्मीद पर यहाँ पे अपना लोकप्रियता को देखते हुए और यहाँ के जो हमारे समर्थक हैं उनकी मांग पर, उनके निवेदन पर हमने भी सोचा कि हाँ, हम भी सशक्त दावेदार सकते हैं और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी हमें उसका रिजल्ट देगी और हमें कांग्रेस का प्रतिफल के रूप में हमको कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक का टिकट देगी। अजहर, ये तो थी चर्चा, आपने आवेदन दिया उसकी, आप पेशे से एडवोकेट हैं, राजनीति करने का कितना मौका आपको मिलता है, टाइम मिलता है, एक संस्था भी आप संचालित करते हैं जो कि सामाजिक संस्था है? जी हाँ, एक संस्था हम ADNS के रूप में संचालित करते हैं, सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय समर्पित है और सामाजिक काम करते रहते हैं और सामाजिक काम करते करते हमने खेल प्रकोष्ठ में कांग्रेस ने हमें वैशाली नगर विधानसभा अध्यक्ष की पोस्ट दी। उसके बाद हमारा काम देखते हुए, जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए हमें विधि विभाग का विधायक सर जिला का अध्यक्ष बनाया गया और अभी हम काम कर रहे हैं और पोस्ट मिलने पर भी काम कर रहे हैं और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके तहत काम कर रहे हैं और हमें भी ना सामाजिक संगठन है, उसमें मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और जिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ और निजामिया मुहर्रम अलाव कमेटी है उसका मैं सदर हूँ और काम करने के लिए पोस्ट ठीक है लेकिन संवैधानिक पद में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है। हम यहाँ के जो हम वैशाली नगर वासी हैं, जो विधानसभा वासी हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी आपने की है, कब से आप जुड़े थे कांग्रेस से और क्या क्या पोस्ट आपको मिली रही, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं, तो आप पार्टी ने आपके ऊपर कितना विश्वास किया और किन किन पोस्टों से आपको नवाजा? लगभग 20-25 सालों से हम कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और हमारे काम को देखते हुए तो हमें जिम्मेदारी बढ़ाई गई और हम वैशाली नगर विधानसभा से विधायक सर जिला की पोस्ट मिली और काम करने के लिए जो संवैधानिक पद है और यहाँ जो अभी कहा गया है कांग्रेस हाई कमान के द्वारा कि लोकप्रियता को देखते हुए टिकट को वितरण किया जाएगा और जो हमारी जो ईमानदारी है उसको हमने प्रतिकूल समय में भी कांग्रेस का समर्थन किया है तो पूरी विश्वास है कि कांग्रेस हमें टिकट देगी और हमें यहाँ जनता भी चाहती है। जिस तरीके से हमने आवेदन के जमा करने के लिए जा रहे थे तो हमारे समर्थकों का जो सहयोग प्राप्त हुआ उसको देखते लगा कि नहीं, यहाँ जनता चाह रही है और लोगों ने निवेदन किया कि नहीं, आप जाओ, आप भरो, आपको टिकट मिलेगा और हम सब आपके लिए काम करेंगे, तो मैं प्रयास किया हूँ। हालांकि ये बात मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछना है, लोगों की जुबान पर ये सवाल रहता है कि अक्सर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनने में देरी कर देती है, टिकट देने में भी कंजूसी बरत देती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो ये भी वर्तमान में इसकी स्थिति देखी जा रही है, इसके पूर्व में नगर निगम चुनाव में भी वार्डों में समीकरण बैठाए गए थे, वार्डों में जो पार्षदों को टिकट बांटे गए थे उनमें से मुस्लिम कैंडिडेट ना के बराबर थे। नहीं, वैसा ही अगर विधानसभा में
फरीदनगर में पार्षद मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया था और कांग्रेसियों ने भरपूर वोट दिया और अभी एकजुटता का परिचय दिया और मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में बदरुद्दीन कुरैशी जी को वैशालीनगर विधानसभा का टिकट मिला था और वैशालीनगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अकबर साहब को और बदरुद्दीन कुरैशी जी को टिकट दिया जाता है और वैशालीनगर विधानसभा में अल्पसंख्यक में अजन सिंह अधिकारी जी को भी टिकट दिया गया। तो उम्मीद है कि यहाँ के समीकरणों को देखते हुए मुझे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। मतलब ये कहना गलत है या फिर ये अनुमान लगाना गलत है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, चाहे वो निकाय नगर निगम चुनाव हो या फिर लोकसभा या विधानसभा। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज की एकता और धार्मिक एकता को लेकर है, तो पूरा विश्वास है कि कांग्रेस में सभी धर्म को सम्मान मिलता है और सभी समुदाय को लेकर चलते हैं और मुस्लिम लोग भी उन पर विश्वास करते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो वो शर्मिंदा नहीं होने देगा। विकास के रूप में अगर देखा जाए तो वैशाली नगर जो है काफी अछूता है और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जब महापौर नीरज पाल को महापौर बनाया तो ये सपना भी देखा था और महापौर ने ये वादा और दावा भी किया था और धरातल पर इसका काम दिख भी रहा है, नेहरू नगर का सौंदर्यीकरण प्रमाण है। लेकिन वैशाली नगर क्षेत्र में क्या काम करना चाहेंगे और क्या करेंगे अगर मान लो आपको टिकट मिलती है और जीत कर आते हैं तो? देखिए, जो शासन की योजनाएं हैं, जो सौंदर्यीकरण है, रोड निर्माण है और तालाबों का सौंदर्यीकरण है, चौकों का सौंदर्यीकरण है, रोड लाइट, पुल ब्रिज वगैरह जो भी है, तो जो भी शासन की योजना है, जिस तरीके से भिलाई में और दुर्ग में कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं उस तरीके से समय पर और ईमानदारी से काम करवाएंगे ताकि यहाँ की जनता, जिस तरीके से भिलाई में खुर्सीपार में देवेंद्र यादव जी काम कर रहे हैं या अरुण बोरा जी हमारे दुर्ग में काम कर रहे हैं, तो सौंदर्यीकरण है और रोड निर्माण है और जो विकास के कार्य हैं और जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सबको सॉल्व करते हुए ये तो थी अपने शहर की राजनीति। प्रदेश की राजनीति की बात करें अगर मान लो तो ईडी और आईटी की जो अभी छापे पड़ने हैं उसको लेकर के काफी चर्चाओं का जो दौर है वो सरगर्म है, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इससे कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, परीक्षक द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, जो ईमानदार प्रत्याशी हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो काम कर रहे हैं और जो पूरा जिनके जितने की संभावना है और जिनको पब्लिक पसंद कर रही है उनको टिकट दिया जाएगा। जिस तरीके से मुहावरा है कि स्याही बिल्ली खम्भा नोचे, तो भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, लोग नहीं है, चेहरे नहीं है, इसलिए भाजपा ये कोशिश कर रही है कि ईडी के द्वारा जो चर्चित चेहरे हैं उनको परेशान किया जाए, उनकी छवि खराब किया जाए। तो दुनिया देख रही है, वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी देख, जनता देख रही है, वोटर्स देख रहे हैं और वो अपना सक्षम है, शहरी क्षेत्र के लोग भी सक्षम है और राज्य भर में सर्वे के में आया है कि सरकार इस बार फिर से रिपीट हो रही है, तो उसका नतीजा है ये कि आकर ईडी के छापे कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मतलब भूपेश बघेल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिल्ली में बोला अब की बार 75 पार, वो नारा सही होगा? एक सवाल करना चाहूंगी कि कांग्रेस में आपसे ही फूट मतभेद काफी देखा जाता है, मतभेद तो चलता है, मनभेद भी देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में एक डिबेट में ही आपस में कांग्रेसियों का दिगर दो समुदाय के बीच में उलझ जाना क्या दर्शाता है? देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होता है और ऐसा नहीं है। जो विचारधारा है कांग्रेस विचारधारा, तो जो उस विचारधारा पे हैं वो अहिंसावादी हैं, कुछ इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी हम निंदा करते हैं और वास्तविकता की जानकारी नहीं है, तो इस कारण से मैं उसमें उस कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर मान लो आपको टिकट किसी कारणों से नहीं दी जाती, क्योंकि टिकट तो मात्र एक ही है, उम्मीदवार 67 बल्कि ज्यादा ही है, तो क्या करेंगे इस स्थिति में? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि टिकट वितरण होगा वो पूरी ईमानदारी से होगा और जिस हिसाब से आज भी न्यूज में आया है और हमारा आलाकमान का आदेश है कि सर्वे करके परीक्षक तय किया जाएगा कि जो लोग फ्री होंगे उनको दिया जाएगा और हमें यहाँ पे हमें अच्छी खासी योग्यता प्राप्त है, तो पूरी उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा और यदि नहीं मिलता है तो भी हम कांग्रेस करता है और जैसा आलाकमान का आदेश होगा जिसको भी टिकट दिया जाएगा पूरे तन मन धन से उनको जिताने का प्रयास किया जाएगा। अजहर भाई, पूछना चाहूंगी, आप लगातार सक्रियता से कार्य करते हुए कभी कैंप लगाते हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर के भी काम करते हैं, किन किन कार्यों को आपने प्राथमिकता दी है और ANB या ANB ही शायद
जो ABNS है ना, उसके तहत क्या क्या कार्य किए? देखिए, हमारी संस्था है ABNS, सामाजिक संगठन है, राष्ट्रहित में समर्पित है और समाज सेवा करते हैं। गरीबों को खाना खिलाना है, लोगों की शादियाँ कराना है या गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम है। तो हमारे और संस्थाएं हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। तो हम लोग विधि विभाग के शिविर लगाते हैं और संस्थाओं के द्वारा भी लोगों की मदद करते हैं। जो कोरोना काल में हमने सिलेंडर व्यवस्था की, जिसे जरूरतमंद थे डॉक्टरों की सलाह पे फ्री में निःशुल्क किए, तो हमारे साथी जो मजबूत हैं उनके साथ में मिलकर हम गरीबों के घर में राशन पानी वगैरह पहुँचाते हैं। और जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद और अपील करूँगा कि यदि ये विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाता है तो मुझे बंजर साहब ने वोट देकर भारी मतों से मुझे धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। तो ये थे अजहर अली जी। हाँ, पेशे से एडवोकेट, वकालत करते हैं ये। हाल ही में इन्होंने वैशाली नगर विधानसभा के लिए दावेदारी के लिए अपना आवेदन दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि आला कमान इन पे यकीन करते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए टिकट देगी। और अगर किसी कारण से नहीं भी देती है और तो प्रदेश के मुखिया के आला कमान के आदेश के अनुसार काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो अगली चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।